हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आइए सरफेस केमिस्ट्री को एक कदम हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, और इसी एक कदम आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आपको एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। स्टूडेंट्स, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि जानने से पहले आप यह जानिए कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को की लॉक मैकेनिज्म, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, की लॉक, वही चाबी ताला क्रियाविधि के द्वारा समझा जाता है। आपकी बड़ा इंटरेस्टिंग है, रियली इंटरेस्टिंग है। क्यों इसका नाम की लॉक मैकेनिज्म है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लिख देना चाहूंगा। को नाम है लॉक एंड की लॉक चाहे लॉक एंड की क्रियाविधि मैकेनिज्म। द्वारा समझा जाता है चाहे समझा जा सकता है। जब बात चली इस क्रियाविधि को लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं, तो यह भी जान लें कि इस क्रियाविधि को लॉक एंड की मैकेनिज्म का प्रतिपादन किसने किया। आइए लिख देते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म का प्रतिपादन, निश्चित रूप से आप साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, फिशर नाम जरूर सुना हुआ होगा, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है केमिस्ट्री में, फिशर का प्रति फिशर ने किया है। ये तो दो बेकार की बातें होंगी, जानकारी के लिए, बेकार की तो नहीं कहूँगा, आपके लिए जानकारी की चीज़ें। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, मैं यहाँ लिखूँगा अभी, कि ये जो है ना होमोजीनियस कैटालिसिस है, ये जो उत्प्रेरण कर रहा एंजाइम, तो एंजाइम जो है होमोजीनियस कैटालिसिस। कारण क्या है, एंजाइम स्वयं जो होता है वो सोल्यूशन के रूप में रहता है, और वो जिसका भी उत्प्रेरण करता है, जिस पदार्थ का भी, वो स्वयं सोल्यूशन के रूप में रहता है, यहां तक कि प्रोडक्ट भी सोल्यूशन ही बनते हैं। तो आप कहेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरण होमोजेनियस कैटालिसिस, जो एंजाइम उत्प्रेरण है, एंजाइम कैटालिसिस है, वो किसका एग्जाम्पल है, तो होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम है वो विलयन के रूप में, सोल्यूशन के रूप में, जिस पदार्थ का उत्प्रेरण होता है वो पद भी होता है सोल्यूशन के रूप में, यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सोल्यूशन के रूप में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं लिखना चाहूँगा, उत्प्रेरक को एंजाइम नाम दिया आपने, तो जो प्रतिकारक होता है ना उसको क्रियाधार कहते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट कहते हैं, जो रिएक्टेंट है उसको क्या कह देते हैं, सब्सट्रेट। याद रखिए कि आपने कहा कि ये एंजाइम क्या चीज़ है, एक तरह का उत्प्रेरक है ना, जब सजीवों के शरीर में उत्प्रेरण का काम होता है तो उसका नाम हो जाता है, उस उत्प्रेरक को एंजाइम कह देते हैं लिविंग बॉडी के लिए। तो जो
प्रतिकारक होता है ना स्टूडेंट्स, उसको प्रतिकारक नहीं कहते, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जिसका भी उत्प्रेरण करता है उसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। तो इसको भी लिख देता हूँ। हो सकता है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को धीरे धीरे गाना सुनाई दे रहा हो दूर से, एक्चुअली बगल में पूजा हो रहा है ना तो गाना बज रहा है, थोड़ा उसका मजा लीजिए और पढ़िए भी। एंजाइम जिस पदार्थ का उत्प्रेरण करता है। और सब स्टूडेंट्स बढ़िया है, चल रहा है पढ़ाई लिखाई? निश्चित रूप से अपना ख्याल रखना है भाई, उत्प्रेरण करता है उससे सबस्ट्रेट। याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट मतलब प्रतिकारक, हिंदी में इसको क्रियाधार कहते हैं, क्रियाधार कहते हैं। आप सबस्ट्रेट को क्या समझेंगे कि ये क्या है, ये प्रतिकारक है, रिएक्टेंट है, माने रिएक्टेंट शब्द के जगह पर ही रिएक्टेंट। जैसे देखो ना, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बेहतर समझोगे। जब कोई व्यक्ति बस चला रहा होता है, ट्रक चला रहा होता है, तो उस चालक को ड्राइवर कहते हैं। वो चालक क्या कर रहा है, तो वस्तुओं को, व्यक्तियों को और एक इंजन को कंट्रोल कर रहा होता है। वही व्यक्ति जब वो ट्रेन चला रहा होता है तो उसको कहते हैं कि वो लोको पायलट है। अरे वो ड्राइवर ही है ना। अगर वही व्यक्ति प्लेन चलाने लगा, हवाई जहाज चलाने लगा, तो उसको पायलट कहते हैं। तो बात है कि कहाँ वो बैठा हुआ, किस इंजन पे, उसी से उसका नाम बदल गया। तो जब वो प्रतिकारक होता है तो जिसको उत्प्रेरित करता है उसका नाम होता है, सॉरी, जब उत्प्रेरक होता है तो जिसको उत्प्रेरित करता है उसका नाम होता है रिएक्टेंट, माने प्रतिकारक। और जब वो जो उत्प्रेरक का नाम बदल के जब एंजाइम कर देते हो तो जो प्रतिकारक है उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो सिंपल सा है कि एंजाइम जिस पदार्थ का उत्प्रेरण करता है उसका नाम क्या हो जाता है, क्रियाधार होता है। लेकिन अभी तो हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंचे ही नहीं कि आखिर ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे करता है। तो उसके लिए दो तीन बात स्टूडेंट्स याद रखो। सबसे पहला कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम उच्च अणु भार वाला प्रोटीन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, उच्च अणु भार वाला प्रोटीन है। ये बहुत ही विशाल होता है और जिस पदार्थ का उत्प्रेरण करता है ना स्टूडेंट्स, माने सबस्ट्रेट, वो छोटे होते हैं किसके तुलना में, तो एंजाइम के तुलना में। तो आपको दो बातें क्लियर हुई, एंजाइम बृहद है, बड़ा है, विशालकाय है, और उसके तुलना में सबस्ट्रेट माने प्रतिकारक क्या है, छोटा है। अब आइए, एंजाइम के सतह पर कोटर होते हैं, कोटर ही, उसको अंग्रेजी में कैविटी कहते हैं, छिद्र कहिए, गड्ढा कहिए, छिद्र कहना तो उचित नहीं है, छिद्र चूंकि आर पार हो गया, गड्ढा कहिए, गड्ढा होता है। उस गड्ढे में क्या होता है कि प्रतिकारक जाके फंस जाता है और तब उसका उत्प्रेरण होता है। इसको ऐसे समझिए, बहुत ही मजेदार है। ये मान लीजिए कि एंजाइम है, यहाँ समझिए स्टूडेंट्स, इस एंजाइम के सतह पर रहता है गड्ढा, इस तरह से ये गड्ढा होता है, छिद्र होता है। ये जो गड्ढा है इस, ये एक्चुअली कैविटी है, कैविटी माने गड्ढा कहिए। इसको शुद्ध हिंदी में किताब लिखा हुआ कोटर, कोटर सब थोड़ा सा भारी है, उसका आसान भाषा में समझिए गड्ढा। तो जो कोटर है वास्तव में इसी में आके प्रतिकारक फंसता है, इसको एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव साइट्स। इस एक्टिव साइट, इस कोटर में क्या होता है, इसमें तो इसमें रहता है आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रिया मूलक समूह, उसी में रहता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये CH3 है, OH है, तो ये OH फंक्शनल ग्रुप हो गया।
ये CH3 है और NH2 जुटा हुआ, तो ये क्या है, इसी पर नहीं, इस यौगिक का गुण निर्भर करता है। ये CH3 है और ये COOH हो गया, तो देखिए सब में CH3 है, OH की वजह से ये अल्कोहल हो गया, ये NH2 की वजह से ये एमीन हो गया, COOH की वजह से ये एसिड हो गया है। तो इस तरह से ये OH, NH2, COOH क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में 9वीं 10वीं में। तो अब जाके कुछ पिक्चर क्लियर मैं आपको करने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे सोचो कि आपने क्या किया कि एक चाहे जाल बिछा हुआ कहाँ बनाए, यहाँ पर रोड पे आपने एक गड्ढा, चाहे जंगल में किसी गड्ढा खोद दिया, इस गड्ढे से अब यहाँ से होके कोई जानवर गुजर रहा, आप उसको फंसाना चाहते हैं, और क्या किया है आपने, इस गड्ढे में जाल लगा दिया हुआ है, तो जानवर इधर से गया, इसमें फंसा और जाल में वो बंधा गया। स्टूडेंट्स इतना मज़ेदार है, इसी तरह का काम करता है एंजाइम, एंजाइम के सतह पर वो गड्ढा टाइप है, गड्ढा मैंने गड्ढा है ही, वो वोटर नाम कैविटी है, उसका नाम ही कैविटी है, वो तो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर में रहता है फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी कोई पदार्थ मैंने क्रियाधार प्रतिकारक अणु यहाँ से गुजरेगा तो इसमें फंसेगा, जब फंस जाएगा बस फंक्शनल ग्रुप उसको बांध देगा और तब तक बांधे रहेगा जब तक ये प्रतिकारक प्रतिफल में बदल ना जाए, और जैसे प्रतिफल में बदलेगा बस उसका क्या कोई बंधन खुल जाएगा और वो अलग हो गया, फिर सभी कोटर जो है गड्ढा जो फिर आज़ाद हो गया, फिर अब दूसरे शिकारी के इंतजार में बैठा हुआ है, फिर शिकारी आएगा, ये जाल बिछा हुआ है इसमें फंसेगा, उस जाल में जैसे फंसेगा फंसा के फिर क्या करना है उसको इसमें बदलना है, प्रतिफल में बदल देना है, और फिर आपका जाल जो है ये ज्यों कहते हूँ मौजूद है। तो इस तरह से एंजाइम बड़ा आकार वाला अणुभार वाला पदार्थ है, प्रोटीन है, इसके सतह पर क्या होते हैं, कैविटी होते हैं, कोटर होते हैं जिसको एक्टिव साइट कहेंगे, उसमें क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है। फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, तो इस पे जो भी आएगा सबस्ट्रेट क्रियाधार उसको फंसाएगा, बांधेगा और किसमें बदल देगा, प्रतिफल में, बस इतनी सी तो बात है। मैं लिख देता हूँ सारी बातें, कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत किया कि जो अधिशोषण का, जो विषमांगी अधिशोषण का उत्प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके मैंने मैकेनिज्म को केवल चित्र बना दिया, फिगर बना दिया, लिखा नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स सब बातों को लाइन बाय लाइन लिखे हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है हम लोगों का कि जो एंजाइम के सतह पर एक्टिव साइट होते हैं, एक्टिव साइट का मतलब आप कैविटी समझ जाइए, कैविटीज होता है, चाहे कैविटी के रूप में होता है, एक्टिव साइट्स होते हैं। अब इस एक्टिव साइट में क्या रहता है, तो इसमें रहता है फंक्शनल ग्रुप, ये गड्ढा है, इस गड्ढे में रहता है जाल, मैंने फंक्शनल ग्रुप। एक्टिव साइट्स फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप मैंने क्रियामूलक समूह कहते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH रहता है, COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, SH ETC, एक्टिव साइट में लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप जैसे होते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं इसको समझना है, तो जब भी कोई सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट से होके गुजरेगा, उस गड्ढे में गिरेगा, बस इसको वो बांध देता है, एक रस्सी का काम करता है। तो तीसरा पॉइंट हुआ फंक्शनल ग्रुप क्रियाधार मैंने प्रतिकारक
क्रियाधार का मतलब क्या निकालेंगे आप? प्रतिकारक को क्या करता है? प्रतिकारक को दुर्बल बल से, क्योंकि प्रबल बांधेगा तो वहीं पर आ जाएगा ना स्थायी रूप से, दुर्बल बल जैसे हाइड्रोजन बंधन, एच बॉन्ड लिख देता हूँ संक्षेप में, एच बॉन्ड, वंडरवाल, बल से क्या करता है? उसको बांध देता है, जकड़ देता है, बांध देता है। अब देखिए, तो आपने समझा कि आपके पास उत्प्रेरक मतलब एंजाइम है, एंजाइम के सतह पर गड्ढा है, उस गड्ढे में रस्सी के रूप में क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। जब भी कोई प्रतिकारक गुजरा, उस प्रतिकारक को क्या किया? ये बांध दिया। अब देखिए, अब क्या होता है, जब उसको बांध देता है तो उसको प्रतिफलन बदल के तब छोड़ता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या वजह है, पहली बात इसको कि की लॉक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, दूसरा कि क्यों उत्प्रेरक स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे समझो कि आपने कहीं जाल बिछाया हुआ है, तो उस जाल का छिद्र ऐसा है कि उसमें खास प्रकार के शिकार ही फंसेंगे, उसमें सभी शिकार नहीं फंसेंगे। तो ये निर्भर करता है कि जाल में आपने जो छिद्र है वो कैसा है। तो जो कैविटी जो होता है ना, उस कैविटी का एक विशेष आकृति होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें खास आकृति वाला प्रतिकारक ही जाके फंसेगा, दूसरा नहीं फंसेगा। आप इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझिए, आपके पास 20 गो चाबी है और एक गो ताला है, आप सब ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है। एक खास चाबी उस 20 में से है जो उस ताला में बिल्कुल फिट बैठा है, उसको खोल दिया। तो उसी तरह से क्या होता है, जो कैविटी होता है, जो छिद्र होता है, उसकी एक ऐसी संरचना होती है, विशिष्ट संरचना होती है कि उसमें एक विशिष्ट प्रकार के, खास प्रकार के प्रतिकारक ही मतलब क्रियाधार ही फंसेगा, दूसरा उसमें फंसेगा ही नहीं। और जो फंसेगा नहीं उसको फंक्शनल ग्रुप बांधेगा नहीं, बांधेगा नहीं तो प्रतिफल में बदलेगा नहीं। तो ये बात क्लियर होता है कि एंजाइम जो होता है ना स्पेसिफिक नेचर का होता है, वो खास तरह के प्रतिकारक या खास प्रकार के अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। तो आइए लिखते हैं, चौथा पॉइंट होगा हम लोगों का एंजाइम के सतह पर जो कोटर को क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में हम लोग, कैविटी या फंक्शनल ग्रुप का जो कैविटी होता है, होता है उसका एक विशिष्ट भी कह सकते हैं, विशेष आकृति होता है। आकृति होता है, उस कोटर में एक विशेष आकृति वाला क्रियाधार ही जाके क्या होगा, फंसेगा। उस कोटर में, कोटर समझ गए ना, एंजाइम के सतह का गड्ढा, उस कोटर में एक विशेष आकृति विशेष आकृति वाला क्रियाधार सबस्ट्रेट ही फिट बैठता है, फिट होता है, फिट होता है, बाकी फिट होगा ही नहीं, फिट होता है। अतः एंजाइम्स केवल उसी को उत्प्रेरित करेगा जो उसमें फिट बैठेगा, सबको नहीं। अतः एंजाइम एंजाइम केवल उसी विशेष क्रियाधार को
को ही प्रतिफल में बदलेगा या उत्प्रेरित करेगा। बदलेगा यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक खास प्रकार के ताला के को खोलने के लिए एक खास प्रकार के चाबी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं। तो एक लाइन ये जरूर लिखेंगे, यह बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे एक खास ताला को एक विशेष चाबी ही खोलता है। चूंकि ये ताला चाबी के से मिलता जुलता है खोलता है, अतः इस क्रियाविधि को क्या कहते हैं, अतः इस क्रियाविधि को लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बातों को मैंने बोर्ड पे लिखा, वो समझना बेहद ज़रूरी है। आपके पास क्या है, तो एंजाइम है, और एंजाइम के सतह पर एक विशेष प्रकार का, ये विशेष है आकृति वाला, समझ लीजिए कि गड्ढा है। उस विशेष आकृति के गड्ढे में क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप है जो कि जाल के रूप में काम कर रहा है, क्रियाधार को बांधने के काम कर रहा है। जैसे ही इसमें आ करके फंस रहा है क्या चीज, प्रतिकारक माने सबस्ट्रेट, उसको क्या कर रहा है, तो इसमें फंसा करके प्रतिफल में बदल रहा है। तो आपको समझना यह है कि इसकी आकृति जैसी है, वो खास आकृति वाला सबस्ट्रेट ही उसमें फंसेगा और वही उसके द्वारा उत्प्रेरित होगा। दूसरे से इसका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे के प्रति बिल्कुल क्या है, तो ये निष्क्रिय है, चूँकि यह उसी तरह से कार्य कर रहा है जैसे ताला और चाबी होते हैं। ताला को चाबी खोलता है, एक विशेष ताला के लिए विशेष चाबी ही उसको खोलता है। उसी तरह से एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट के लिए एक विशेष उत्प्रेरक मतलब एंजाइम की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म इज नोन एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं हूँ आपके लिए, घबराना नहीं है। इसको और क्लियर करना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको चित्र बनाऊं, दिखाऊं कि कैसे जो है ये स्पेसिफिक नेचर का है। तो पहले आप इसको नोट करिए और फिर चित्र बना के समझाते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ जो एंजाइम कैटालिसिस है जो मैं आपको लिख रहा था अभी, उसको जरा चित्र के माध्यम से समझें, जल्दी हो जाए, इसके लिए मैंने चित्र बना दिया, इसको समझिए। देखिए ये एंजाइम है आपके लिए, बिल्कुल ये है लॉक की तरह, और ये है सबस्ट्रेट की तरह, ये प्रतिकारक हो गया और ये एंजाइम हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार का यही है एक्टिव साइट। स्टूडेंट्स, एक्टिव ये साइट्स हो गया, और इसी में क्या रहता है, अंदर में रहता है वो जाल जिसको आप कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो एक खास प्रकार की संरचना है, इस तरह से खास प्रकार के जब सब्सट्रेट उसमें जाएगा तो फंसेगा। तो अगर इसको समझे तो दो चरण में काम हो रहा है, जो पूरी मैकेनिज्म है वो स्टेप वन में है कि देखिए एंजाइम है, इस एंजाइम हो गया जो आपके लिए उत्प्रेरक है, और ये सब्सट्रेट आया। तो एंजाइम और सब्सट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाए, मैंने समझ जाइए कि ये ताला है, ये चाबी है। आपने पहला स्टेप किया कि ताला में आपने चाबी डाला,
तो ये हो गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम है। और याद रखना स्टूडेंट्स कि ये रिवर्सिबल होता है, ये है रिवर्सिबल, और साथ ही साथ ये अनस्टेबल है। अब क्या है कि आपने तालाब में चाबी डाल दिया, आप उसको ऐंठते हैं। तो आइए स्टेप नंबर टू, स्टेप जब टू में आते हैं तो जब ऐंठते हैं तो क्या होता है, तालाब का खुलता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ई है और एस है, जिसका नाम है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो कि अनस्टेबल है, ये बदल जाता है ई पी में। ये आपका एंजाइम तो एंजाइम ही रहता है, जो सब्सट्रेट है जो प्रतिकारक था वो किस में बदल गया, प्रतिफल में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बदल गया प्रतिफल में। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका फास्ट, ये है, ये फास्ट है, ये बड़ी तेज गति से होता है। और यहाँ पर ये हुआ और फिर क्या होता है, ये तो इसमें से एंजाइम अलग हो गया ई और ये पी जो है अलग हो गया, एंजाइम अलग और पी से प्रोडक्ट हो गया, और ये जो होता है स्लो होता है। तो स्लो का मतलब हुआ कि रेट जो है अभिक्रिया का जो वेग है, दर है, आप याद रखे हैं पहले मैंने बताया हुआ है आपको कि अभिक्रिया का वेग जो फास्ट चरण होता है, फास्ट स्टेप होता है, उससे नहीं मापते, बल्कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसे मापते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या मापेंगे हम लोग, सेकेंड वाले। तो याद आपको ये रखना है कि मैकेनिज्म जो है उसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ई एस पर डिपेंड करेगा, ई प्लस एस इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो ये सेकेंड स्टेप है इसी पर निर्धार, इसी से अभिक्रिया का वेग जो होता है निर्धारित होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मोटा मोटी कि आपका ये ताला हो गया, ये चाबी हो गया, पहला उसमें फंसा, एक विशेष आकृति वाला उसमें फंस पाएगा, उसके बाद क्या करता है वो आप रोटेट करता, बस ये टूट के दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि एंजाइम जो है आपका, ज्यों कहते हो देखिए एंजाइम आपका बिना किसी परिवर्तन के बाहर हो गया, और ये प्रतिकारक किस में बदल गया, तो प्रोडक्ट के रूप में बदल गया। यही है आपका लॉक एंड की मैकेनिज्म। मैं समझता हूँ कि अब चित्र से एकदम क्लियर हो चुका होगा। पहले स्टेप में दोनों आया मिला, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ लिखा हुआ है इसी के बारे में लिखा हुआ है, और फिर ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होता है रोटेट करते हैं, प्रतिकारक प्रतिफल में बदलता है, लेकिन उसी में रहता है। अभी चाबी निकालेंगे तब तो अलग होगा ना, तो उसी में रहता है। फिर क्या होता है कि आपका ये ताला अलग हो गया और प्रतिकारक इसमें बदल चुका है, प्रोडक्ट में बदल चुका है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे और आपको मज़ा आया होगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, बहुत बार हमें ऐसा वीडियो में मैं कहता हूँ, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि मैं उस पर आगे और सुधार कर सकूं। मेरी कोशिश रहती है कि जो आप लोग कमेंट करें मैं रिप्लाई करूं ना करूं, लेकिन उसको अगले वीडियो में उसकी सुधार जरूर करूं। तो फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात आप लोग से ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।